और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बदन सिंह बद्दू की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। तो बद्दू के गुर्गो अजय सहगल की अवैध दुकानों पर यह बुलडोजर चलाया गया है। मेरठ में यह बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई, टीपी नगर इलाके में एमडीए की कार्रवाई की गई। तो पार्क की जमीन पर अवैध दुकानें बनाई गई थी, जिस पर बुलडोजर यहां पर चलाए और एक बार फिर से बदन सिंह बद्दू के अवैध संपत्तियों पर ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई। तो बड़ी जानकारी मेरठ से दे रहे, तो पार्क की जमीन पर यह अवैध दुकानें बनाई गई थी। तो अविनाश हमारे सहयोगी, माफ कीजिए अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त एक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास चलेंगे। अभिषेक, क्या कुछ कार्रवाई इस दौरान हुई है? हाँ देखिए, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये दो बिल्डोजर एक पीछे लगा हुआ है, ये 40 के लगभग दुकानें थी, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था अजय सहगल ने एक महीने पहले। आप वो मलबा देख रहे हैं, इस पूरे ग्राउंड को खाली कराया था बदन सिंह बद्दू जो एब्सकॉन्डिंग है इस समय। आप देखिए ये जेसीबी जो योगी के बिल्डोजर हैं इस मार्केट पर चल रहे हैं, इस कंक्रीट के पूरे अवैध निर्माण को। ये सरकारी पार्क था जगन्नाथपुरी, इस एरिया का नाम है, टीपी नगर है, तमाम फोर्स हैं। तस्वीरें मैं दिखा दूँ, रास्ता ब्लॉक किया है पुलिस ने, ये जीप यहाँ लगाई है, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ शेड के नीचे भी है, पीएससी को लगाया गया, आप देख सकते हैं पीएससी खड़ी है वहाँ सामने। दोनों तरफ से ये दिल्ली रोड से रास्ता आता, और ये तस्वीरें अब मैं सीधी बिल्डोजर की तस्वीरों के ऊपर ले जाना चाहूँगा कि बिल्डोजर कैसे काम कर रहा है। आप देखिए कि इस पूरे अवैध कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम चल रहा है। बदन सिंह बद्दू एक माफिया जिस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, उम्र कैद की सजा, अधिवक्ता पीपी सिंह के अधिवक्ता की हत्या के मामले में उसको आजीवन कारावास मिली थी, लेकिन 2019 ठीक उसी दिन 27 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 के लोकसभा चुनाव के लिए और योगी आदित्यनाथ मेरठ में जनसभा कर रहे थे, उसी दिन पुलिस को चकमा देकर बदन सिंह बद्दू फरार हो गया था। तब से उसके बंगले को मेरठ पुलिस ने ढहाया है, उसके अवैध मार्केट को ढहाया है, और अब उसके सहयोगी अजय सहगल जो उसकी फरारी में मुख्य भूमिका निभा रहा था, इस पार्क पर अवैध कब्जा करके बनाई गई। देखिए कितना मजबूत ये पिलर है, लगातार बिल्डोजर के बाहर दोनों के साथ ही। देखिए ये पूरा मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा सीरीज में, इसमें पीछे से भी तोड़ा जा रहा है और यहाँ से भी तोड़ा जा रहा है। ये दोनों पिलर पे फोकस कीजिए इस समय, इन दोनों पिलर पे जो चोट की जा रही है, ये चोट होते ही जैसे ही पिलर, बहुत मजबूत पिलर हैं ये पिलर, दोनों जैसे ही टूटेंगे तो ये छत जो है पूरी तरीके से नीचे आ जाएगी। लगभग 40 दुकानों का ये मार्केट है, इससे एक महीने पहले जैसे ही चुनाव खत्म हुए, योगी पार्ट टू शुरू हुआ, वैसे ही सुबह सुबह वो मलबा आप उधर देख रहे हैं दाहिने हाथ की तरफ, वहाँ के मार्केट को उजाड़ा गया था और अब इस अवैध कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जा रहा है। बहुत मोटे लोहे की लोहे के गाटर लगा के इसको मजबूत तरीके से बनाया गया था। सवाल उन सरकारों पे भी जिनके राज में ये सरकारी पार्क को कब्जा करके यहाँ ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया। मैं आपको बता दूँ ये टीपी नगर का क्षेत्र, यहाँ एक एक गज जमीन लाखों रुपए की है, प्रति गज 5 लाख रुपए गज का यहाँ रेट है, करोड़ों रुपए की ये जमीन है जिसको कब्जाया गया और इस पर अवैध निर्माण किए गए। ये देखिए दो बिल्डोजर किस तरीके से इन पिलर को तोड़ने की कवायद में हैं, जस्तजू में हैं, जोर जोर से चोट मारी जा रही है और ये चोट लगते ही जैसे ये दो पिलर टूटेंगे पूरा लेंटर जो है नीचे आ जाएगा। और ये लेंटर में अभिषेक मेरठ की कार्रवाई आपने दिखाई थी, जब ये एक साथ 70 से ज्यादा दुकानों को तोड़ा गया था, एक नहीं दो नहीं साथ नहीं 8 से ज्यादा बुलडोजर वहां पर और पोकलैंड मशीन के साथ में वहां पर ध्वस्तीकरण करने के लिए पहुंचे थे। और उस दिन एक जो तस्वीर सामने आई थी बीजेपी का झंडा लगा हुआ नजर आया था, तो सीधे तौर पर ये इस कार्रवाई में ये बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस पक्ष का है, बिल्कुल पारदर्शिता इसमें रखी जा रही है। और उस दिन जो कार्रवाई शुरू हुई वो मेरठ में अब तक जारी है। देखिए परसों की ही बात है ये, कल भी एक कार्रवाई होनी थी लेकिन वो कल कार्रवाई टल गई और प्रशासन बिना सूचना दिए अचानक से काम कर रहा है, कोई प्रचार नहीं चाहता प्रशासन। लेकिन आप सीधी तस्वीरें देखिए, परसों लगभग 70 से 100 अब दुकानों को NHI के साथ मिलकर पूरी रोड खाली करा ली गई थी, ना किसी का नाम देखा गया, ना किसी की दुकान देखी गई, ना किसी का धर्म देखा गया, ना किसी की जाति देखी गई। जो भी एनक्रोचमेंट के आड़े आ रहा था, चाहे उस पर बीजेपी का झंडा लगा हो, कांग्रेस का लगा हो, सपा का लगा हो, किसी का भी झंडा लगा हो, एक तरफा उन्हें तोड़ा गया। और अब आप देख रहे हैं ये
कार्रवाई सुनिश्चित थी, कब होगी ये नहीं पता था। अचानक से 10 बजे ये कार्रवाई शुरू होती है। अभी आप देखिए 11 नहीं बजे हैं, आधी दुकानें तोड़ दी गई हैं और अगले आध घंटे में ये पूरा कॉम्प्लेक्स सफ़ा कर दिया जाएगा। पिलर बहुत मजबूत बने हैं, ये बुलडोज़र की चोट लगातार इन पर इस पिलर पर की जा रही है, लेकिन वो हिलने को मजबूत नहीं है क्योंकि पूरे इत्मीनान से इस अवैध निर्माण को बनाया गया। मोटे मोटे सूत के सरिये इसमें डाले गए, दो सूत का सरिया साफ दिखाई दे रहा है कि इतनी मजबूत ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ऊपर ये सरिये छोड़े गए थे, छत पर मैं सरिये दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये था कि ऊपर भी इसका निर्माण होना था और मंजिलें इस पर डाली जानी थी, इसलिए इतने मजबूत पिलर बनाए गए कि जब इसके ऊपर एक और मंजिल चढ़ाई जाए, फिर दूसरी मंजिल चढ़ा जाए, मल्टी कॉम्प्लेक्स इसे बनाया जाए तो कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। नींव भी बहुत मजबूत बनाई गई थी और आप देखिए लगातार 10 मिनट से मैं यही तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार चोट इस पिलर पे की जा रही है, लेकिन ये पिलर अभी टूटने के लिए तैयार नहीं है। कितनी शिद्दत के साथ इस अवैध निर्माण को करा गया था, किस तरीके से पूरी, ना तो सरकार का कोई खौफ था, ना ही सरकार का कोई दिक्कत थी, बड़े इत्मीनान के साथ ये चीज़ें की गई थी, पूरे इत्मीनान के साथ ये कार्रवाई करी गई थी। आप देखिए सरकार का पूरा समर्थन यानी कि राजनीतिक संरक्षण इन माफियाओं को मिला हुआ था पिछली सरकार, जब ही इस तरीके की कार्रवाई हुई। यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे जानना चाहेंगे कितनी दुकानों का ये कॉम्प्लेक्स है। मैं चल रहा हूँ प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ, उनका वर्जन लूँगा, मैं जानूंगा। विवेक सर, ये कार्रवाई आज शुरू हुई है, कितनी टोटल दुकानें, ASP हैं विवेक यादव जो ब्रह्मपुरी सर्किल के हैं, विवेक आप लाइव हैं। यहाँ टोटल 7 दुकानें थी, यहाँ पे 176 स्क्वायर मीटर का एरिया है और ये पूरी की पूरी दुकान जो है अवैध रूप से पार्क की ज़मीन पे कब्जा करके अवैध निर्माण कराया गया था, जिसका MDO ने सभी नियम कानूनों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया और उसी क्रम में आज इसका ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है MDO। विवेक जी, आपके ही थाना क्षेत्र से बदन सिंह बद्दो एब्सकॉन्ड है, भागा हुआ है, फरार है, 2.5 लाख का इनाम है उसमें, पुलिस कब तक उसे पकड़ लेगी या हम एनकाउंटर की खबर भी सुन सकते हैं? देखिए उसके संबंध में जिला स्तर से प्रयास किया जा रहा है और जल्दी आपको उसके संबंध में भी अगर कोई सूचना होती है तो दी जाएगी। सर, और इसके अलावा और कोई संपत्ति है? देखिए इसके अलावा भी इस पार्क में कुछ अवैध कब्जे हैं जिनको माननीय न्यायालय द्वारा कुछ स्टे वगैरह लिया गया है, उसको भी प्रॉपर नियमों का पालन करते ही जल्दी उसका हम उम्मीद करते हैं कि निस्तारण हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा अपील रहेगा बाकी लोगों से कि अगर आपको भी कोई जानकारी हो, जैसे इस तरह के जो छिपे हुए अवैध निर्माण जो अपराध से कारित करके अर्जित संपत्ति द्वारा बनाए गए इस तरह के कोई और संपत्ति है, कोई और प्रॉपर्टी है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम भी प्रयास कर रहे हैं इस तरह के और भी कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको ज़रूर प्रकाश में लाएं और उस पर कार्रवाई की जाए। विवेक यादव हैं जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके की ये कार्रवाई की। फिर सीधी तस्वीरों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं और दिखाऊंगा कि किस तरीके से योगीराज में ये बिल्डोज़र माफियाओं और अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चल रहे हैं। देखिए ये दो बिल्डोज़र इन पिलरों को तोड़ने की कोशिश में है क्योंकि ये पिलर टूटते के साथ ही छत और लेंटर पूरी तरीके से नीचे आ जाएगी। आपको एक नज़र में दिखाऊं कितना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स था जो सरकारी पार्क की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था। यहाँ रिहाइश भी है लेकिन सारी रिहाइश कॉमर्शलाइज हो गई है। आप निगाह मारते चले, आप ये देखिए वहाँ से भी तोड़ा गया है। मैं पूरा एक राउंड लेके आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इस अवैध निर्माण को बनाया गया है। आप देखिए लंबी लंबी दुकानें इसमें बनाई गई थी, एक एक करोड़ की एक दुकान बिकती है, लेकिन इससे पहले ही योगी राज शुरू हो गया और इन पर कार्रवाई शुरू हो गई। आप देखते जाएं, नज़र डालते जाएं, दर्शकों की सुविधा के लिए मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये अवैध निर्माण किया गया। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ से इसे तोड़ दिया गया है, अब इसके पीछे से इस पर कार्रवाई चल रही है। यहाँ से नज़र मारें, यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये पूरा सरकारी पार्क था और ये पूरी कॉलोनी थी, यहाँ पे सरकारी पार्क को कब्जा के इसे कॉमर्शलाइज करने की कोशिश की गई। सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इस पार्क के पीछे जो सफ़ेद दीवार दिखाई दे रही है, वो भी इस पार्क की ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई है, वो भी बदन सिंह बद्दो के आदमी की बताई जाती है। उस पर कोर्ट का अभी स्टे आया है जिसको वैकेट कराने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और इस कार्रवाई के जरिए सख्त संदेश है कि जहां पर भी इस तरह से अवैध निर्माण किया गया उस पर बुलडोजर चलेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।